इसमें जैसा मैंने कहा अधिकतर केंद्र सरकार के घरों के निर्माण के लिए तोड़ने, सड़क बनाने के लिए या फ्लाईओवर के लिए तोड़ने, मैंने इनमें से एक एक स्ट्रक्चर का अध्ययन किया क्योंकि रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़े हुए हैं ये मसले सारे। मैंने एक एक मंदिर का, मजार का, गुरुद्वारे का, एक एक का अध्ययन किया कराया और मैंने देखा कि ये जो 67 मंदिर तोड़े जाने हैं, 6 मजार तोड़ी जानी है और एक गुरुद्वारा तोड़ा जाना है, उसके प्रभाव का भी मैंने आकलन किया समाज में क्या कर रहा है। मैंने पुलिस की रिपोर्ट्स भी पढ़ी जो अफसरों ने लगा के भेजी, एक रिलीजियस कमेटी है ऑफिसर्स की, उसको भी मैंने, उसकी रिकमेंडेशंस को भी पढ़ा, उसने तो सभी को रिकमेंड किया है तोड़ने के लिए, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट लगभग लगभग सभी में यह है कि इन मंदिरों को, मज़ारों को, गुरुद्वारों को लोग यूज़ करते हैं और कई जगह सैकड़ों तो कई जगह हज़ारों लोग आते हैं और हर एक में, ऑलमोस्ट हर एक केस में ये कहा गया है पुलिस की ओर से कि हमारी लोकल रिपोर्ट्स बताती है कि यहाँ अगर इसको हम तोड़ते हैं तो यहाँ लोगों का विरोध होगा, दंगे भी हो सकते हैं, पत्थर भी चल सकते हैं, भड़क भी सकते हैं लोग, प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, हर एक में लगभग लगभग पुलिस ने लिखा है। लेकिन उसके बावजूद अगर हमें कहा जाएगा तो हम एक्स्ट्रा फोर्स प्रोवाइड करेंगे, हम फोर्स प्रोवाइड करा के इस काम को करने में मदद करेंगे, पुलिस के तो यही कमेंट्स हैं। और इसमें 90 साल से लेके 40-50 साल पुराने भी बहुत सारे मंदिर हैं, तो मैंने इन सब का अध्ययन किया है एक एक प्रोजेक्ट का। मैं उनमें से कुछ मुख्य चीज़ों को आपके सामने भी रखना चाहता हूँ कि कौन सी चीज़ें एलजी साहब तोड़वाना चाहते हैं। एक बांके बिहारी सनातन मंदिर है झील चौक पे, 1948 से बना हुआ है ये मंदिर। यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट कहती है कि यहाँ पे हजारों लोग आते हैं, करीब 1500 लोग तो फेस्टिव डेज पे आते हैं और सैकड़ों लोग रोजाना इस मंदिर में आते हैं। पुलिस रिपोर्ट कहती है कि पुलिस हैज रिपोर्टेड दैट द डिमोलिशन वुड बी स्ट्रॉन्गली अपोज्ड बाय लोकल लीडर्स, सिटीजंस, पॉसिबली लीड टू सीरियस ब्रीच ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इंक्लूडिंग रोड ब्लॉकेज, डैमेज ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एंड स्टोन पेल्टिंग एटसेट्रा। ये पुलिस ने अपना आकलन करके दिया है। 1948 से बना हुआ मंदिर है। इसी तरह से शिवपुरी में शिव शक्ति मंदिर है लेबर चौक पे, 1995 से बना हुआ मंदिर है, उसके बारे में भी पुलिस रिपोर्ट यही कहती है कि यहाँ लोग आते हैं और लोकल्स में स्ट्रांगली अपोज। इसी तरह से प्राचीन शिव मंदिर है इन फ्रंट ऑफ मार्बल मार्केट नियर मायापुरी, यहाँ भी सैकड़ों लोग रोज आते हैं, पुलिस रिपोर्ट कहती है कि ये स्ट्रांगली अपोज होगा यहाँ पे। फिर वजीराबाद रोड पे दो टेम्पल हैं, एक हनुमान टेम्पल है और एक, दोनों अलग अलग हनुमान टेम्पल हैं, एक खजूरी चौक के पास में है और दूसरा लोनी